सवाल आपसे हमारा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के एक जिला पंचायत सदस्य ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण और ठाकुरों की वोट नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ठाकुर क्षेत्र के नाराज हैं समाजवादी पार्टी से कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं चाहिए तो हम लोगों को आवश्यकता भी नहीं समाजवादी पार्टी को वोट देने में। इस संबंध में आपका क्या कहना है? वीडियो जो वायरल हुआ है उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है। वो मुझे पता चला है, वीडियो मैंने देखा है कि वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो अपने स्टाइल से अपने चुनाव प्रचार के लिए जो कह रहे थे वो उनका व्यक्तिगत मामला है। समाजवादी पार्टी को और हमारा उससे कोई मामला नहीं है। उस वीडियो को विपक्षी लोग जो समाजवादी पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं गुमराह करने के लिए, जातीय विद्वेष फैलाने के लिए ये करवा रहे हैं। जबकि हम समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और जनेश्वर मिश्र जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हमारा काम, हम लोग वोट मांगते हैं विकास के नाम पर, समृद्धि के नाम पर और सम्मान के नाम पर, जातिवाद के नाम पर नहीं, हिंदू धर्म को लड़वा करके नहीं, झूठ बोल करके वोट नहीं मांग रहे हैं। इसलिए ऐसे वीडियो से मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरी पार्टी का कोई ताल्लुक है, ना वो व्यक्ति जिसने वीडियो डाला है, ना वो मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, ना पदाधिकारी। श्याम सुंदर जी, बछरावा विधानसभा की जनता से आपको काफ़ी अपेक्षाएं हैं, तो कैसे खड़े उतरेंगे अगर यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया? तो सबसे पहला काम कौन सा ऐसा करेंगे जिससे बछरावा विधानसभा को सौगात मिलेगी? बछरावा विधानसभा में सबसे पहला काम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दलाली मक्कारी सबसे ज़्यादा फैली थी, आम जनता हमारे क्षेत्र की परेशान थी और इसको पहले दूर करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र में बछरावा विधानसभा में तमाम जो है ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ जल भराव होता है, जैसे जहाँ हम रहते हैं यहाँ एक हसवा डैन है, हसवा में इस समय 10-20 गांवों का जो है उसकी रोजी रोटी चलती है और ड्रेन की सफाई भी यहाँ के किसानों की समस्या है। और शिवगढ़ ड्रेन जो है, शिवगढ़ ड्रेन पे उधर शिवगढ़ ब्लॉक के हजारों गांव जो है जलमग्न रहते हैं और शिवगढ़ ड्रेन, महाराजगंज ड्रेन और सुखलिया में एक जो है बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ के जनजीवन त्रस्त रहता है बरसात में। तो ऐसी समस्याएं पहले जो जीवन से संबंधित समस्याएं हैं इनको मैं दूर करने के लिए वोट मांगता हूँ और दूर करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद नौजवानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और जो ये हमारे नवयुवक हैं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करके, जो अस्पताल तमाम जगह जैसे बहुत जगहों पर अस्पताल की कमी है, वहाँ अस्पताल खुलवा करके काम करूँगा। और इंटर कॉलेज कोई बढ़िया नहीं है हमारे यहाँ, उस इंटर कॉलेज को खुलवाने का प्रयास करूँगा।